वेलकम मेरा नाम है आयुषी और आई एम सीनियर मिनटोर एट लीगल एच और आज की सीरीज में जो है सौ का शो डाउन उसमें हम लेके आए एक और नया कॉलेज जिसका नाम है एनएलू ओ कटक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा विच इज इन कटक ओके सो यस एक सेकेंड ओके So, uh, हम स्टार्ट कर करने से पहले मुझे एक बात बोलनी थी आप सबको कि हम हमको लगता है कि हमें टॉप थ्री कॉलेजेस में या टॉप वन टायर कॉलेजेस में हमको टॉप फाइव कॉलेज में ही जाना 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 है और हम बाकी कॉलेजेस के बारे में नहीं जानना चाहते हैं बट लेट मी टेल यू कुछ ऐसे अच्छे कॉलेजेस भी हैं सारे ही अच्छे हैं ऑब्वियसली बट एन एल ओ उन कॉलेज में आता है जहां पे यू गेट गुड पीपल अराउंड यू स्पेशली विदर्म्स ऑफ अगर मैं कहना चाहूं अच्छा क्राउड मिलता है आपको अच्छी फैकल्टी मिलती है आपको अच्छा सराउंडिंग मिलता है आपको एंड देयर ट्रस्ट में इट्स अ रियल नाइस कॉलेज वहां से प्लेसमेंट भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं सो so, आइए जानते हैं एनएड ओ के बारे में ओके सो वॉट डू वी नो अबाउट दिस कॉलेज वी नो अबाउट कि येस इट्स इन कटक कटक इन उड़ीसा इट वाज स्टैब्लिश इन 2009 uh, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जैसे बाकी सारे कॉलेजेस को मैं कह सकती हूँ एनालिस्ट को मैं कह सकती हूँ कि यस इट वाज काफी टाइम uh, पहले इट वाज स्टैब्लिश्ड थोड़ा टाइम पहले स्टैब्लिश्ड हुआ है बट यस yes, इसकी रैंकिंग्स आर रियली गुड अकॉर्डिंग टू दैट अपना सेम एडमिशन प्रोसेस होता है जो पहले वी हैव है Ki you have to give CLAT examination and uh, then your 12th 12th percentage, uh, somewhere around 45% for uh, general OBC PWD categories and 40% for SEST categories. There is no up upper age limit, any such, for the admission process. Plus, courses, yes, courses is really important. Uh, courses, it's providing BA and BBA LLB honors. तो यहाँ पे आपको दो कोर्स मिल रहे हैं अंडर यूजी दैट इज बी एंड बी बी एल एल बी नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि आपको हायर स्टडीज भी करनी है आफ्टर योर यूजी इज कंप्लीट येस एन यू ऑल्सो प्रोवाइड एल एल एम इट प्रोवाइड एल एल एम इन कॉपरेट एंड बिजनेस लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ देन ऑल्सो इन क्रिमिनल सिक्योरिटी लॉ आई पी आर एज वेल अब एल हो गया है क्या मैं पीएचडी कर सकता हूं एन से या कर सकती हूँ डू द पीएचडी कोर्स एज वेल आप अपनी डॉक्टरेट की डिग्री भी इस कॉलेज से ले सकते हैं नेक्स्ट इसके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स भी अवेलेबल है विच इज इन साइबर सिक्योरिटी तो आप वो अगर uh, किसी को उस फील्ड में भी जाना है काफी सारे लोग होते हैं जिनको साइबर लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है विच इज अ न्यू फील्ड अगेन आजकल काफी ज्यादा डिमांड में है तो

पे जो है प्लस काफी अच्छी ब्यूटी से सराउंडेड है ये कैंपस इट्स अ 50 एकर्स का कैंपस दे हैव एवरीथिंग इन दर कैंपस डॉग हॉस्टल्स प्लस दे हैव समवेयर अराउंड नाइन कैपेसिटी they people can stay in the campus itself they have uh, separate uh, quarters for the teachers and separate hostels for the students as well uh, plus they have everything basketball volleyball tennis court also they have they have uh, yeah cricket ground football ground everything else uh, auditorium food court gym etc etc uh, this is uh, the cat block of nLAo.

Male, but the good part about NLU is we have VC as a female, which is not something to be shocked about, I believe. But yet uh, there was no one till now, like till HNLU, I believe. If you have uh, been the part of the series, there was no male uh, VC, uh, sorry female VC. But yes, this is the first time that I'm seeing a female as a VC. Uh, her name is Professor Ved Kumari. अपन तो एग्जाम्स तो होते ही है और एग्जाम्स का स्ट्रेस लेवल अलग होता है सो अगर आपको एग्जाम का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा लगता है सो देस यू कैन सी द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर अनन्या चक्रवर्ती शी इज वन अंगू इज गोइंग टू कंट्रोल योर एग्जामनेशन का पैटर्न सिलेबस क्या होगा कैसे क्वेश्चन पेपर सेट होगा एवरी थिंग वुड बी कंट्रोल डॉक्टर कॉलेज की तो यस इट पार्टिसिपेट इन एन आई आर एफ रैंकिंग एन आई आर एफ रैंकिंग इसकी फोर्टींथ है अमंग ऑल द लॉ कॉलेजेस इंडिया टूडे इन ट्वेंटी इंडिया टूडे ने ट्वेंटी सिक्स पोजिशन पे रखा था

नेक्स्ट अब फीस कितनी लगेगी uh, जैसे uh, अगर मैं बात करूँ काफी सारे कॉलेजेस में पीछे सबसे कम फीस मुझे लगी थी एच एन एल यू की बट uh, इसमें भी उतनी ही कहीं ना कहीं कम ही फीस है उतनी ज्यादा फीस नहीं है जितनी बाकी कॉलेजेस लेता है इन टोटल इट हैज इट्स टू टू लाख वन वन थाउजेंड रुपीज एच एन एल यू में जहां तक मुझे पता है कि वहां पे सिर्फ समवेयर अराउंड रफली अराउंड वन लाख सिक्सटी थाउजेंड या फिर उतना ही रफली अराउंड लग रहा था बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है ठीक uh, है ऑल्सो एन आर आई स्पॉन्सर्ड के लिए दे अ फीस मैंने आपको ये बात एच वाले वीडियो में भी कही थी कि यस yes, वहां पे uh, के लिए थोड़ी कम फीस लगती है तो uh, uh, विच जाना है तो आप वहां पे कम फीस में एनआरआई कोटे से जा सकते हो ठीक है सो दिस इज अ रिफंडेबल अमाउंट की टेन थाउजेंड अमाउंट इज रिफंडेबल डिपॉजिट आपसे लेता है ये कॉलेज जो आपको अपार फिफ्थ ईयर के बाद आपको अगर आपने ऐसा uh, कुछ भी uh, Uh, कुछ नहीं क्या होता है सपोज uh, आपने uh, लाइब्रेरी की बुक ली एंड देन यू फॉरगॉट टू रिटर्न सो वो फाइन कटता कर, नहीं है अगर आपने uh, और अगर आपने रिटर्न नहीं कर, तो फाइन कट जाएगा विद अमाउंट जो आप ये ऑलरेडी पे कर रहे हो एंड देन आफ्टर फिफ्थ ईयर ऑफ योर कॉलेज जब आप बाहर निकलते हो तो दिस uh, मनी गोइंग टू गेट बैक वो अमाउंट कट फाइनेंशियल एड पॉलिसी एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी स्कीम है जो एन एल यू ओ प्रोवाइड करवाता है टू द स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटस इज नॉट रियली गुड तो आफ्टर सेकेंड ईयर बच्चे यहाँ पे आ, लाइब्रेरी uh, में सर्व कर सकते हैं रिसर्च पेपर बना सकते हैं सम मनी अर्निंग वाइल लर्निंग जो इनका एक क्राइटेरिया गिवन uh, है अंडर एनएल ऑ ऑल्सो एन एल यू आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए सेकेंड ईयर से आपको uh, काफी सारे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाता है Uh, this is really good fact about nleo that they are keeping in mind about the student after the student uh, is there in their university and is not able to cope up with uh, the uh, everyday usual needs that person should have some small amount of money by their own like earning while learning which is a really good initiative that i have seen

If you know at national Law University, Delhi may they have won international insolvency and bankruptcy mood code competition. Recently they have also won 12th UPS Paris given Memorial energy law international mood Code competition. But UPS, if you know, uh, it's, it's a good university. it's a private university. Uh, next, they have also good achievements in that debate competition. they are really good debaters as well. agarmet de kunto, they have, uh, won international and uh, national debate competitions as well, which is really good and fact about the nluo students that they are outstandingly uh, doing good with their moods and debates. फॉर श्योर दैट्सिंग में ही जब आपको बोला था कि येस yes, आप ये मत सोचिएगा किस नॉट रियली गुड दे आर फेंटेस्टिकली गुड अगर आप uh, आप ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एज वेल की उनके पास कितनी uh, अच्छी नॉलेज वो गेन करते हैं थ्रू आउट देयर कॉलेज लाइफ एंड दैट्स हाउ दे आर परफॉर्मिंग सी द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एन एल यू ओ okay so these are some activities done in the college uh, they are doing yoga and they are doing uh, guest lectures by um, mr steve lewesky on the challenges to big tech so these are something some good uh, uh, extracurricular activities done in, in the college by uh, students and uh, faculties as well next committees they have uh, each and every committee that should be there in the college sports committee cultural committee mood court competitions co moot court society they have pro bono club they have legal aid committee they have internships and placement committee student development committee tech committee informal discussion group also etc cetera, etc cetera. so Viraj is basically their uh, sports fest which is one among would be conducted by the sports committee so this is one of the pictures अब मुझे मैम एन में जाने के लिए कितना स्कोर लगेगा या कितनी रैंकिंग होनी चाहिए मेरी मिनिमम टू गेट इन टू एन एल यू सो येस योर रैंकिंग शुड बी अराउंड थाउजेंड टू नाइन हंड्रेड अगर मैं देखू तीनों इयर्स uh, का समवेयर अराउंड थाउजेंड टू हंड्रेड इलेवन हंड्रेड होनी चाहिए इट वॉज नाइन फोर फाइव विच वॉज रियली लाइक बहुत ज़्यादा थी मतलब अगर 945 और मैं 1000 को कंपेयर करूँ तो समवेयर अराउंड 50 राउंड का डिफरेंस था सो so वो आप डिफरेंस देखो एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ़ 100 इन टोटल मार्क्स मैम कितने होने चाहिए इन uh, 2020 वी uh, नो की 77.5 था 83.5 इन 2021

कैटेगरी तो ये थोड़ा डिसा सा बट आई थिंक दिस कोजर प्रिटी गुड इन जनरल ओनली अगर आप इलेवन हंड्रेड मेंट दिसज तो विच इज अली गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज नेक्स्ट वेन वी सी द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप दे प्रोवाइड रियली गुड प्लेसमेंट्स आई बिलीव सिक्स लैख से देव रीच टू ट्वेंटी थाउजेंड विच इज इंक्रेडिबल आई बिलीव क्योंकि uh, इतना ज्यादा प्लेसमेंट कल्चर वेन वी सी इन टॉप एन एल यूज तो वेन वी सी दीचे वाले कॉलेजेस में इतना ज्यादा प्लेसमेंट कल्चर नहीं होता है जैसे मैंने आर एम एल भी देखा हुआ है आर एम एल में भी इतना ज्यादा कॉपरेट कल्चर नहीं है उस कॉलेज में बट येट दे प्रोवाइड गुड कैंपस सिलेक्शन यहाँ पे दे हैव इंक्रीज इट टू एट लैक फोर्टी थाउजेंड विच इज इंक्रेडिबल अगेन एंड इट वुड है

ई वेल दे 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 हैव हैव रियली रियली गुड गुड आर अ नाइस लाइब्रेरी एज वेल मतलब आपको uh, ऐसी रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं पड़ेगी अगर आप मोड कुट कॉम्पिटिस्स कर रहे हो अगर आप कुछ ऐसा करने रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो आपको कुछ कि, किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने वाली है अंडर दिस कॉलेज नेक्स्ट वट इज आफ्टर लाइफ कॉलेज अच्छी खासी लाइफ है इफ यू आर सेलेक्टेड एज अ

ज वेल एंड एंगजाइटी इश्यूज होते हैं डिप्रेशन होने लगता है सैडनेस आती है मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं आई एम नॉट एबल टू डू दिस मूड से वो मूड नहीं हो पाया मैंने आर्बिट्रेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया मे बी बिकॉज ऑफ सम्स आई वॉज आउट ऑफ आर्बिट्रेशन और मे बी बिकॉज ऑफ समुड पीपल मेनी टाइम्स ऐसा होता है when we get down at our lives. Uh, तो काफी सारे कॉलेज हैल Uh, this particularly, this college has My Dost Karke Counselor and that is a really good initiative taken by each and every college, I believe, each and every NLU, I believe. So yes, how to contact the college? You can see the contact details. You can see NLUO website. Pe, this is the website ka email. Uh, you just have to type NLUO.ac.in and you'll reach the website. Phone number, fax number, and this is the Address of the Orissa campus. So, this is it from my side. I really hope you like this session. Do like and subscribe to our channel if you have yet not. Uh, and that's it, guys. Bye bye. Have a good day.